पुछो मंडी विच एक किसान की खुदकुशी का मामला गरमा गया है। किसान वालों मुआवजे नाल मिलन दी मुआवजे ना मिलन की वजह करके 8 दिन पहला खुदकुशी की कई बार हुण तक किसान का संस्कार नहीं किया गया। परिवार वालों की मांग है कि जदों तक पटवारी गिरफ्तार नहीं किया जाता उदों तक संस्कार नहीं होगा। ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ। 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਸਨੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਸਵੰਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। आई सी उन्हू पैसे मिलने सके जो पटवारी सगा पटवारी उदो कोई लैन देन मंगता सगा भी मैं तेरी जमीन सही कर दूंगा, इस करके पटवारी ने उन्होंने तंग परेशान किया, कुछ होर पिंड तंग परेशान किया, वो किसान ने बाहर आके उन्होंने तंग परेशान किया, उन्होंने खुद किसान ने खुदकशी कर ली। खुदकशी बाद 7-8 दिन हो गए, उन्होंने परिवार उत्थे लाश ले बैठा है, वो किसान बैठे है लाश ले। इस करके जिहड़ा पटवारी आ जां जिन्हां दे परचा दर्ज होया इन्हां नूं तुरंत गिरफ्तार किया जाए तां कि किसान संस्कार कर सकण आपदा। उधर डिप्टी कमिश्नर वालों भी परिवार को समझाने की कोशिश की गई, पर कोई नतीजा नहीं निकलिया। डीसी ने पुलिस को हदायत जारी की ने कि जल्द तो जल्द पटवारी को गिरफ्तार करे। किसान की बड़ा अनफॉर्चुनेट मौत हुई है, तो उसमें जो है प्रशासन प्रयासरत है कि जो भी दोषी जिनको भी उन्होंने अपना सुसाइड नोट में लिखा हुआ है उनमें से एक तरलोचन सिंह को हमने अरेस्ट कर लिया है, और बाकी जो पटवारी और राजा बोल के और एक जिनका नाम है उसमें उसको भी हम लोग जो है अरेस्ट करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो है एसएसपी साहब जो है 62 जगह पे जो है छापे मार चुके हैं, काफ़ी टीमा बनाई गई है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इसको जल्दी पकड़ लेंगे। दरअसल जसवंत सिंह की पुछो मंडी में बनने वाली अनाज मंडी को लेकर सरकार ने तकरीबन 33 एकड़ जमीन अक्वायर की सी, जिस में जसवंत सिंह की 22 मरले जमीन का मुआवजा 11 लाख रुपये बनता स। पटवारी जगजीत सिंह के दफ्तर के कई गेड़े लाने तो बावजूद जदों जसवंत की नहीं सुनी गई तो उसने खुदकुशी कर ली। गोबिंद सैनी, जी मीडिया बठिंडा।